वन विभाग पर्यवेक्षक के द्वारा आज ग्राम कठिया बंधान में वेदा नदी से 15 से 20 ट्रिप रेत जब्त की गई, जो छान के बेचने के लिए रखी हुई थी। जेसीबी एवं ट्रैक्टर के माध्यम से रेत को चिरिया डिपो पहुंचाया गया। वन पर्यवेक्षक संजय चौहान ने कहा कि अब यह कार्यवाही सभी नदियों में की जाएगी एवं जो भी रेत का खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी एवं जांच पड़ताल की जाएगी। वन विभाग की पूरी टीम के द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। आज यह मुखबिरों से सूचना मिली थी कि जो वेदा नदी में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था, तो पूरी टीम का गठन किया जाकर मतलब जितने भी मतलब यहाँ छान के रेत रखी थी उसको जब्त किया जा रहा है और आगे कार्यवाही उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। कितने ट्रिप रेत आपने जब्त किया है अभी तक? मतलब 15 एक ट्रिप जब्त कर ली है और अभी मतलब प्रक्रिया जारी है। और आपका मतलब वेदा नदी के अलावा भी रेत का खनन हो रहा है दूसरी नदी में, उसमें आपका क्या रहेगा? उसमें भी कार्यवाही की जाएगी। पहले अभी यहाँ का निपटा देते, उसके बाद सब जहाँ भी मतलब रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल बराबर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान, वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।